आंखों की जो समस्या है आजकल धीरे धीरे लोगों में बढ़ती जा रही है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, ज्यादातर मोबाइल फोन को देखना, कंप्यूटर पे ज्यादा देर तक काम करना, या आपके घर में किसी को मम्मी पापा को अगर ये समस्या हो चुकी है तो आपको ये समस्या होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आज के इसके अलावा भी कई कारण है, जैसे कि अगर आप खान पान में ढंग से अपने पौष्टिक आहार को शामिल नहीं करते हैं तो भी आपको आंखों की जो समस्या है हो सकती है। आंखों की समस्या होने के कारण जो है कई लोगों का नंबर बढ़ जाता है और वो चश्मे वगैरह का इस्तेमाल करने लगते हैं। और ये मान लेना कि आपकी आंखों की समस्या ठीक नहीं हो सकती तो ये आपको एक वहम वाली बात है। अगर आपको आंखों के नंबर बढ़ गया और चश्मा लग गया है फिर भी अगर आप चाहें तो आपकी आंखों के नंबर जो है कम हो सकता है, यानी कि आंख जो है ठीक हो सकता है और चश्मे जो है उतर सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसी घरेलू उपाय है उसका इस्तेमाल करके आपकी जो समस्या है जड़ से ठीक हो सकती है। इसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो नए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करके आप अपने आंखों के चश्मे जो उतार सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके आप लेना है गुलाब जल, जो कि बहुत ही कॉमन है हमारे घर में, मिलता है नहीं मिले तो आप अपने आसपास के जो भी केमिस्ट शॉप है वहाँ से आपको गुलाब जल लेनी है। और उसके अंदर जो आपको छोटी सी जो टुकड़ा जो है आपका फिटकरी लेना है, उसको अच्छी तरह से भून लेना है आपको तवे पे, जब वो हल्का पिंक कलर का हो जाए उसके बाद आपको गुलाब जल में डाल देनी है। उसे दो दो बूंद जो है दिन में तीन बार डालना है, इससे भी आपके आंखों के जो चश्मे हैं उसमें उतरने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो आपको बादाम लेना है, बादाम की जो है 5 से 6 जो गिरी है इसको पानी भिगो के रखना है, उसके बाद आपको रोज सुबह सुबह जो है इसको खानी है। इससे भी आपको जो शरीर में जो पौष्टिक आहार की जो कमी होगी वो आपको पूरा होगा, आपके आंखें जो चश्मे हैं उसके उतरने के चांसेस रहेंगे, आपकी आंखों की जो रोशनी होगी वो बढ़ सकती है। इसके अलावा जो आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्रतिदिन आप इसे 15 से 20 मिनट तक जो अनुलोम विलोम करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा और आपको आंखों की जो रोशनी जो है काफ़ी तेज हो सकती है। उसके अलावा जो है आप काफ़ी सारे जो और भी नुस्खे मैं आपको बताने वाला हूँ उसको इस्तेमाल करके आप इसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें, साथ ही साथ कंप्यूटर वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए एक चश्मा आता है जो कि आपकी जो रेडिएशन आती है जो कंप्यूटर की उसको जो है आपके आंखों पर नहीं पड़ने देता, तो उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे भी आपको जो आंखों में काफ़ी फायदा होगा और आपको जो चश्मे जो है उतर सकते हैं। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने पौष्टिक आहार में हरी सब्जी और पालक वगैरह जो आप शामिल करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। सुबह सुबह जो आप नंगे पाँव जो है घास पर चलते हैं उससे भी आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। इन सब घरेलू चीज़ें और इस सब नुस्खों को इस्तेमाल करके आप अपनी आंखों की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, अगर इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।